दोस्तों हम रात के 1:30 बजे खा रहे हैं यमी बर्गर। अपरिचित आ गया है। दोस्तों क्वीन यतिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है रक्षाबंधन, तो आप सब लोगों को हम लोगों की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों अभी रेडी नहीं हुए हैं, जब हम रेडी हो जाएंगे तब देखना हमारा फाइनल लुक। तो हमारा फाइनल लुक देखने के लिए आप तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 अमेजिंग। दोस्तों मैंने रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही सभी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि सभी बहनें करती होंगी। मैं गई सबसे पहले अट्टा मार्केट, वहां से मैंने सुंदर सुंदर राखियां ली। त्योहार का दिन हो और भाई का मुंह मीठा ना करवाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं गई बीकानेर वाला, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, फिर भी मैंने कैसे तैसे करके मिठाइयां ले ही ली। बस अब मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं अपने मायके जाने के लिए एकदम रेडी हूँ। मैं पहुंच गई हूँ रक्षाबंधन से एक दिन पहले अपने मायके, और भाई यहाँ तैयारियां कर रहा है हमारे लिए बर्गर मंगाने की। पहले तो मैंने मजाक में ले लिया, मैंने रात के 12:30 बजे कौन सा बर्गर आता है। फिर उसने मुझे बताया सुबह के 5 बजे तक हम कुछ भी पिज्जा बर्गर कुछ भी मंगा सकते हैं घर पर ही ऑनलाइन। फिर मैंने भी कह दिया भाई कुछ भी है तू मंगा ले, बस अगर ऑनलाइन आता है तो हम भी खाने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर क्या था, रात के 1:30 बजे करी हम सब ने मिलकर बर्गर पार्टी और खूब मजा आया। यम्मी बर्गर। और अब हो रही है पार्टी तो बनती है। दोस्तों हम रात के 1:30 बजे खा रहे हैं यम्मी बर्गर। मम्मी मुझे याद दिला देना, कान्हा जी को भी राखी बांधनी है मुझे। पहले ना मैं रक्षाबंधन को भूल गई थी कान्हा जी को राखी बांधना, फिर मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से उससे कहो मेरी नींद न चुराए मेरे ख्वाबों में जो आए। अपरिचित आ गया है। माफी दिखाओ अपरिचित। रक्षाबंधन की स्टार्टिंग करी मैंने कान्हा जी को प्यारी सी राखी पहनाकर, और मेरा हो गया मन खुश एकदम। कान्हा जी की राखी बांधने के बाद मैंने अपने पापा को भी राखी बांधी। दक्ष यतिका का निकल गया है पूरा साल लड़ाई झगड़ा करते करते, फिर भी दोनों ने बड़े प्यार के साथ बनाया अपना त्योहार। यतिका ने तो मुझे साफ ही मना कर दिया, मम्मी बिल्कुल भी मुझे मत सिखाओ कि मुझे राखी कैसे बांधनी है, मैं खुद ही अपनी राखी अपने भाई को पहनाऊंगी। मैंने भी कह दिया भाई पहना ले पहना ले, मैं नहीं आ रही तेरे बीच में। मैं जा रहा हूं यार। गिफ्ट लेके जाओ। कौन सा गिफ्ट है? अरे अच्छा हाँ सुना गिफ्ट देना है। मेरे 10 रुपए कहाँ है? अच्छा अच्छा 10 रुपए यही अभी तेरे मेरे पास ये लो तुम्हारा ये। और एक और चीज है मेरे पास। अच्छा मैं भाग रहा हूँ थोड़ा ऐसे कूद को ऐसे हाथ लगाओ दोनों आपस में ऐसे करवाया ऐसे इसकी छोटी तरह पड़ेगा बिल्कुल। ये है नटखट बच्ची मार क्यों रही है मार। हेलो कोई यतिका। ये भाई बहन का प्यार। अरे बस करो। उसके बाद मैंने पहनाई अपने सबसे छोटे और खोटे भाई को राखी।
सबसे प्यारे से भतीजे को राखी। दोस्तों हम दोनों भाई बहन हैं थोड़े से पागल, हम मौज मस्ती का एक भी मौका नहीं छोड़ते और यहाँ पर हमने कर दिया है एक फनी डांस। दोस्तों हमारी भाभी भी कुछ कम नहीं है, वो भी मौज मस्ती का एक भी मौका नहीं छोड़ती। मेरे भाई को मैंने राखी पहनाई और भाभी को भी, ऐसे मेरे रक्षाबंधन का दिन हुआ पूरा। यहाँ यतिका ने भी डुग्गू को राखी पहनाई। रक्षाबंधन के त्योहार पर एक प्यारी सी शायरी मेरी तरफ से। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी। मैंने अपनी भाभी को भी राखी पहनाई और उसके बाद मैंने अपने भाई भाभी की आरती उतारी। भाई भाभी ने तो मेरी ही आरती उतार दी। ये होता है भाई बहन का प्यार। दोस्तों सबसे लास्ट में मैंने अपने मम्मी को राखी पहनाई और हो गया मेरा रक्षाबंधन का दिन एकदम पूरा। दोस्तों उसके बाद मैं पहुंच गई रात को ही अपने ससुराल, क्योंकि मेरी नंदे हमारा वेट कर रही थी। मेरी नंदों ने और मैंने कुछ हंसी ठिठोले करने के बाद अपने रक्षाबंधन को खुशी खुशी कर लिया कम्प्लीट। दोस्तों अगर आपको मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस, बाय बाय।